ठहरा बहू, तुम हमारे मांगे हुए दहेज के बिना घर में कदम नहीं रख सकती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? माँ जी, मैं दहेज नहीं ला सकती। बहू, तुम हमारे खानदान की परंपरा तोड़ रही हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें दहेज लाना होगा। माँ जी, मैं 21वीं सदी की भारतीय नारी हूँ। दहेज देने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ मेरे जान। वीडियो गेम खेल रहे हो?
चलो नहा लो। नहीं अभी नहीं। आदित अपने ऑफिस में पूछो ना कि कोई काम वाली बाई है क्या। हुँ? प्लीज। हाँ पता है वो मिसेस मल्होत्रा है ना, उसके बड़े बेटे का डिवोर्स हो गया है। उनकी बहू किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। सैड। बहुत डिप्रेस रहती है आजकल। पता है सेटलमेंट में 10 लाख इन्हीं को भरने पड़ रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, घरे कौन भरे कौन। 7 साल का बच्चा है उनका। बहाने मत बनाओ, स्कूल नहीं जाओगे तो पापा जैसे कैसे बनोगे। भाई। 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 अरे सुबह सिमी का फोन आया था। गुड मॉर्निंग सर। इसे प्रूफ रीड करना प्लीज। सॉरी सर, सॉरी सर, वो साफ करने की कोशिश कर रहा था, वो नीचे गिर गया सर। देखो समीर, मुझे तुम्हारे लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे कैसी लव लाइफ, अपनी तो बस सेक्स लाइफ। जो भी नहीं, या तो तेरी जैसी वाइफ हो और या फिर तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते। हाय गीता। हाय सर, मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, कुरियर कर लिए। नहीं, उनको कवर लेटर भी भेजना है। रुको मैं अभी डिक्टेट करता हूँ। समीर 2 बजे तक क्लाइंट्स को क्रिएटिव दिखाने हैं। समीर चल यार, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट वर्क यार। आज मंडे है। जा रहा हूँ यार, बाय। डोंट बी लेट। Dear Mr. Sood, we are pleased that you have accepted the changes that we had proposed. Get that done immediately. ऐसा कब तक चलता रहेगा आदित्य, हमारा छुप छुप कर मिलना। गीता, आज सुबह डैड का फोन आया था, 4 नए लड़के ढूंढ ले उन्होंने। कब तक उन्हें टालती रहूंगी और कितना इंतजार करना होगा। आदित्य, हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट फॉर दिस। थोड़ा और टाइम दो, अखिल के एग्जाम्स खत्म हो जाए, मैं अश्विनी से बात कर लूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डिवोर्स तो होना ही है। पता है 1 महीने से हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। Live without you, Aditya. Don't worry about a thing. Once this is over, we'll get married. I promise. Come here. छी, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर को किस कर रहा हूँ और क्या? कैसी गंदी हरकत है ये? खबरदार जो मेरी कोई चीज को गंदा कहा। तुम्हारी चीज? तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा मेरा है। पैर को किस करते हुए तुम्हें गंदा नहीं लगता? जब मैं तुम्हारे हाथ को किस करता हूँ तब तुम कुछ नहीं कहती। आदित, ये अलग बात है। अलग क्या है? तुम्हारा पैर शरीर से अलग है या तुम्हारा हाथ? मतलब? अगर दोनों शरीर के हिस्से हैं तो मैं किसी को भी किस करूं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम पागल हो। मैं पागल नहीं, मैं आदित्य हूं। और मैं जानता हूं जब मैं ये सब करता हूं तुम्हें कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं। Do you love me? क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? तो फिर दिखाओ ना। क्या? तुम्हारे इन कपड़ों में छिपी हुई जन्नत। I'm Aditya. One water tonic, please. Geeta, थोड़ा personal हो रहा है। तुम्हारी आंखों को देख के पक्का यकीन होता है तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े चोर हैं।
ऐसी आंखें मार्केट में थोड़ी ना मिलती है, किसी खजाने से चुराई। अरे ड्रिंक दो मैडम का, लाओ दो इधर ड्रिंक। योर ड्रिंक। थैंक्स। योर ड्रिंक। अरे आदित्य, अरे तुमको मेरे मड आइलैंड वाले बीच हाउस की चाबी चाहिए थी ना, ये लो चाबी। बहुत प्यारी जगह है, बहुत पसंद आएगी अश्विनी भाभी को। डार्लिंग ये क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर लो, गायब हो जाएंगे। लेकिन तुमने तो कहा था संडे को सिमी के यहाँ चलेंगे। कहा तो था लेकिन अचानक ये काम आ गया। I'm really sorry अश्विनी, I'm sorry। बस काम को थोड़ा कम होने दो एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हॉलिडे पे ले जाऊंगा। वी गो टू गोवा, जस्ट यू एंड मी। No work, no mobiles, no nothing. Just you and me. God promise. जब बारिश हो रही हो और सूरज भी चमकता हो तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि लोमड़ी की शादी हो रही है। लोमड़ी की किस्मत भी मेरे से अच्छी है। गीता, हमने इस बारे में बात की है। Let's not spoil our day together. What? You're my honey bun sugar plum. I hate this drink. I'll Hello? Yeah, Dad. हाँ, मैं ऑफिस में हूँ। मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं, जाना होगा। मैं आपको शाम को करती हूँ। बाय। गीता, स्टॉप इट। यू नो आई एम वेरी टिकलिश। स्टॉप इट। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। रिलैक्स। तुम पागल हो गई हो। अपनी आंखें बंद कर लो, अपने आप गायब हो जाएंगे। Ja
तब्दीलियां लाएगा मगर कम होगा न मेरे इश्क का असर। अब तो जीना नहीं तेरे बिना हम नशीं, अब तो जीना नहीं तेरे बिना हम नशीं। I'm pregnant. What? I said I'm pregnant. Aditya. गीता, मुझे तुमसे ये बात पहले ही करनी चाहिए थी। क्या? आई एम सॉरी बट ये सब नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमारी शादी। क्या मतलब? मैं अश्विनी को नहीं छोड़ सकता गीता। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे वो अब सेटल हो गए। हमारा एक बेटा भी तो है, मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकता हूं? गीता, मुझे प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता था ये सब ऐसे हो। गीता, डोंट टच मी। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं अबॉर्शन के सारे अरेंजमेंट्स देख लूंगा। यू वोंट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग। अबॉर्शन, अबॉर्शन। गीता, हाँ नित्या। गीता, हाउ कैन यू थिंक टू मेरे अबॉर्शन? गीता, आई एम नॉट गोइंग टू हैव अबॉर्शन। गीता, काम डाउन। बास्टर्ड, किल यू। रिलैक्स गीता, ये हो गया क्या तुम्हें? थिंक टू मेरे अबॉर्शन। काम डाउन प्लीज गीता, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कैसे सोच लिया? प्लीज काम डाउन। डोंट यू डेयर टच मी।
क्या बात है आदित्य? कुछ नहीं, सब ठीक है, बस सर में दर्द है। सब ठीक तो है? या, या। ठीक है, मैं क्रोसिन लाती हूँ। ओके। हाय समीर, तो कैसा रहा तेरा वीक एंड? अच्छा था। क्या सिर्फ अच्छा? क्या बात है, अश्विनी भाभी को जगह पसंद नहीं आई? पसंद आया, शी लाइक्ड इट। वेरी गुड यार, ये गीता नहीं आई यार, उसके बिना ऑफिस सूना है। सोचता हूँ कोई बहाना बना के उसे अपने बंगला दिखाने ले जाऊं, हो सकता है स्लिप पे कैच मिल जाए यार। आज कोई काम नहीं है क्या? है ना, पर गीता के बिना ये ऑफिस सूना है। Did you receive this fax? Which fax? कॉल किया शुक्ला को? हाँ, वो क्या फोन लगन। समीर तुम जानते हो, he's a very important client for this company. Yeah, yeah. He's been asking for that report for 3 days. You're a friend, Samir, and I don't want to constantly have these arguments with you. Please take this fax and give him a call. Okay, karta hu phone. Offices. Thank you.
क्या हुआ? पता नहीं, मैंने कोई आवाज सुनी। आवाज? नहीं तो कैसी आवाज? मैंने अभी अभी किसी को गाते हुए सुना। गाते हुए? क्या कह रहे हो, कैसे हो सकता है? यहाँ अभी अभी कोई गा रहा था। गा रहा था? कोई सपना देखा होगा। सपना? सपने में कोई गा रहा होगा आदित। चलो सो जाओ, चलो। कमरे में कोई गा रहा है। तुम दोनों बाप बेटे को हो क्या गया है? रात में गाने सुन रहे हो। लेकिन गाना, इसमें ताज्जुब होने वाली क्या बात है आदित? शादी में कोई लाउडस्पीकर पे गाना बज रहा होगा। बाप बेटे दोनों उठ गए, मैं तो घोड़े की नींद सोती हूँ ना। चलो मैं तुम्हें सुला के आती हूँ। नहीं मम्मा, सच thank you.
There's no one here besides. Sit by myself outside, I guess. Mm-hmm. Okay. कल रात जिसे तुमने गाते हुए सुना वो आवाज आदमी की थी या औरत की? औरत की। अरे मैं बताना भूल गई, मैंने बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात कर ली। नहीं हुए तो क्या हुआ, सोसाइटी एक है, सबके लिए नियम एक ही होनी चाहिए। कौन सा गाना गा रही थी? नहीं मालूम। याद करो, कहीं ये तो नहीं, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये तो कोई भूत वाली फिल्म का गाना है ना? हाँ, मेरे मामा जी की फेवरेट पिक्चर थी। नाम क्या था उसका? 20 साल बाद 1962 में रिलीज हुई थी, जिस साल मेरे मामा जी की शादी हुई थी। इस फिल्म में एक जमींदार एक लड़की का बलात्कार कर खून कर देता है और वो लड़की वापस आ जाती है भूत बन के बदला लेने। या कहीं दीप जले कहीं दिल आवाज कोई कहती है, कोई नजर फिर आए ना क्यों, जाने कहां से आहट है। आवाज कोई कहती है, कोई नजर फिर आए ना क्यों, जाने कहां से आहट है आईने में कोई। क्या हुआ? मुझे लगता है गीता को मुझसे सुंदर लड़का मिल गया होगा यार, तभी वो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं आई है। किसी ने उसे फोन करने की कोशिश की? पहले तो घंटी बज रही थी, अब स्विच ऑफ आ रहा है। तुझे क्या लगता है? मुझे क्या पता। हाँ, यही बात मैंने पुलिस को भी कही। पुलिस? हाँ यार, गीता के फादर ने कंप्लेंट लिखवाई थी, पुलिस यहाँ ही थी पूछताछ करने के लिए, तेरे बारे में भी पूछ रही थी। मैंने कहा वो तो ऑफिस ही नहीं आया यार। हम तो आते हैं, तुम नहीं आते हो, कि तुम बिन ऑफिस सोना। हाँ अश्विनी। आदिल, मैं अखिल को लेकर अभी निकल रही हूँ, मॉल में मिल रहे हो ना 6 बजे? I'll be there. Okay. कोई कहती है, कोई नजर फिर आए ना क्यों, जाने कहां से आहट है आईने में कोई है। आवाज कोई कहती है, कोई नजर। कहां थे तुम आदित? क्या हुआ? अखिल मेरे साथ ही था, पता नहीं कहां चला गया। क्या पहने? अखिल, अखिल, अखिल! भाई साहब, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा? Excuse me, have you seen little boy with the yellow jumpsuit? अखिल, अखिल! तुम यहाँ कैसे आए? आंटी ने बिठाया। कौन आंटी? नहीं पता। आइसक्रीम किसने दी? आंटी ने। कौन आंटी अखिल? नहीं पता, वाइट ड्रेस पहनी थी।
क्या कर रहे हो? चले पास जैसे मेरे आने लगा है, दिखता नहीं कोई ये पर छू रहा है। ये रात गहरी है, अब कुछ ही दूरी है। कोई नजर फिर आई ना क्यों, जाने कहां से आहट है, आईने में कोई है। अश्विनी वॉचमैन, क्या हुआ? क्या हुआ साहब, ये कहां से आया? हमको क्या पता, किसने रखा ये यहां पर? हमको नहीं पता है। तुम्हें पता नहीं मतलब क्या? सोसाइटी तुम्हें पगार इसलिए देती है क्या कि तुम मुझे बोलो तुम्हें पता नहीं? कोई तो छोड़ गया होगा ना इसे। ठीक है मैडम, लेकिन हमें नहीं पता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम्हें देखना चाहिए यहाँ से कौन आता जाता है। साहब रोज इतने लोग आते हैं, किस किस को देखें? वही तुम्हारा काम है। आदित इट्स ओके, चिल्ला के रहे हो, कोई हमारे दरवाजे में भूल गया होगा। ठीक है, मैं इसे घर ले चलती हूँ, शायद हमारे काम आ सके। हाथ मत लगाओ उसे। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है आदित? वो हमारा नहीं है। हमारा नहीं है तो क्या हुआ? किसी का भी हो, उसको चाहिए तो आ जाएगा लेने। वॉचमैन जी मैडम, अगर कोई आए इसे लेने तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। ठीक है मैडम। चलो ओके। ओके? कौन हो तुम? रेड्डी, भास्कर रेड्डी। माफ करना, जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखते देखते ऐसे बोलने की आदत पड़ गई है। लेकिन आप है कौन? क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, 83 पास आउट। तबीयत ठीक है आपकी? जी नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कुछ दवाई ली आपने? हाँ, गुड। और ये है मेरी असिस्टेंट पांडे, मालती पांडे। गीता को क्या हुआ? हा? गीता एम्प्लॉई मिसिंग कंप्लेंट। वो यहां, वो एक्सक्यूज मी, वो यहां काम करती थी। आई मीन काम करती है।
क्या होता है यहाँ जी? कंपनी है ना ये? हाँ। तो क्या तैयार क्या होता है यहाँ प्रोडक्ट? कुछ नहीं। मुझे लगा हर कंपनी में कुछ ना कुछ तैयार होता है। वो मुझे रिपोर्ट करती थी, थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे, प्योरली प्रोफेशनल। किसके साथ? गीता के साथ। और किसके साथ? सॉरी मैं भूल ही गया। लास्ट कब मिले थे गीता से? सैटरडे, इट वॉज हर लास्ट वर्किंग डे। कुछ बोला था उसने आउट ऑफ टाउन जा रही है ऐसा कुछ? जी नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमारी बातचीत ऑफिस के काम तक ही रहती थी। चाय मिलेगी? कॉफी भी चलेगी? या श्योर। दो चाय लाना जल्दी। सर सर, लेकिन आदमी जब तीन है तो दो चाय? तीन चाहिए तो बताऊंगा मैं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मुझे लगा सर आदमी तीन है तो मतलब तीन चाय चाहिए होगा। सर अब गुस्सा मत होइए सर, मैं दो ही चाय लेके आता हूँ। शट अप मुकेश। ओके 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 सर। चाय भी यही बनाएगा। संडे कहाँ थे आप? मैं काम कर रहा था। पेन घर पर बुलाए थे क्या? ऑफिस मस्टर में साइन नहीं है। मैं घर पे काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप? मुझे चलाना नहीं आता। हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सके, आप छुपाएंगे तो नहीं? जी हाँ। मेरा मतलब जी नहीं। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय डार्लिंग। जी कौन? अब मेरी आवाज भी नहीं पहचान रहे हो? कौन बोल रहे हो तुम? तुम जानते हो डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, देखा? क्या तोहफा? कौन हो तुम? खुद ही देख लो डार्लिंग। कोई मजाक कर रहा था सर, ये आपके लिए। किसने भेजा? जी पता नहीं सर, वो गेट के बाहर कोई छोड़ गया था इसको। गिफ्ट? ये मालती? सरप्राइजिंग। मेरे एक दोस्त को मजाक करने की आदत है। पिछले हफ्ते मेरे घर एक लाल पेंट का खाली डब्बा भेजा। ये दोस्त लड़की है? हाँ हाँ। क्यों? लड़की है ऐसी पागल टाइप सी। नाम क्या है ये दोस्त का? शालिनी। अभी फोन बात किया? हाँ। कमाल है, आपने उसका आवाज नहीं पहचाना। एक्चुअली मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि मैं ऑफिस में हूं। ओ। मैं डरने लगा हूं उसके तोहफों से। या इट्स डेंजरस।
है ना मालती? आप नीचे रख सकते हैं इसे। इट्स ओके, परफेक्टली ओके, लेकिन फिर भी इट्स डेंजरस। I'm not well. I have a fever. Oh. You must take care of yourself. डरो मत डार्लिंग, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, बस हिसाब बराबर करना चाहती हूं। जो खेल तुमने मेरे साथ खेला वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। जानना चाहती कैसा लगता है, मैं तुम्हें हर पल तड़पते हुए देखना चाहती हूं। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं। Oh!
सब ठीक तो है? हाँ, हाँ सब ठीक। क्या हुआ? कुछ हो गया क्या? हाँ? आदित? आदित ऑफिस में कुछ हो गया क्या? आदित? आदित? Open the door, Adit. अश्विनी, I'm sorry. ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, बहुत ही टेक्निकल हैं, तुम नहीं समझोगी. But there's nothing to worry about now. कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा. प्लीज मत पूछो मुझे. भरोसा करो मुझ पे, प्लीज. That's cool. I mean, I don't know you, and you don't know me, so I guess outside is best, you know? Yeah, I go. Good night. I mean, I do like the outdoors. I'm a donkey. I was born outside. I'm all alone. Good night. क्या हुआ? क्या हुआ? आदित, क्या हुआ? क्या है वहां? क्या हो गया? मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था. मजाक? आदित, ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? अब सारी रात उसे नींद नहीं आएगी. चलो आखिर आज तुम मम्मी के पास सो जाना. अजीब हो तुम. तू डार्लिंग, मैं अब इसे अपना ही घर समझूंगी.
यहाँ से आहट है, आईने में कोई है, आवाज कोई कहती है, कोई नजर फिर आए ना क्यों, जाने कहाँ से आहट है, आईने में कोई है, सूरत अधूरी है, अब कुछ ही दूरी है। समझ सकती हूँ तुम्हारी ऑफिस की प्रॉब्लम्स की वजह से तुम शायद हमारी शादी की सालगिरह भूल गए। I'm sorry, Ashwini. I completely forgot. Happy anniversary, love. What do you think, Adit? It's nice. Sirf nice. Nice. It's beautiful. Beautiful. तुम्हें पता है? मैंने अखिल को आज सिमी के यहाँ भेज दिया। सिमी के यहाँ? क्यों? आज इस एक शाम में तुम अपने ऑफिस के सारे प्रॉब्लम्स भूल जाओगे। मैं बस तुम्हें आदित चौक क्यों गए? मैं नहीं तो याद है डार्लिंग, जब हम साथ होते थे तब तुम कैसी कैसी बातें करते थे मुझसे। तुम्हें पता आदित? हाँ। तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ये तो तुम मुझसे कहते थे, इससे भी कहते हो क्या? तुम्हारी आंखें, पता है क्यों? नहीं। क्योंकि इनमें मुझे मेरा चेहरा नजर आता है। क्या रोमांटिक है तेरी बीवी। तुमने सिखाया है क्या? क्या हुआ? आज जन्नत नहीं देखनी है तुम्हें? अपनी आंखें बंद कर, मैं गायब हो जाऊंगी। क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें आदित? I'm sorry, अश्विनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत? सॉरी, तबीयत नहीं,
तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को आदित? समीर, अरे रुकना यार, अगर कभी भगवान मिला ना तो उससे एक ही चीज मांगूंगा, कोई ऐसा इक्विपमेंट दे दे जिससे दुनिया की हर लड़की। समीर, हाँ, मुझे तुमसे कुछ सीरियस बातें करनी है। हाँ बोल ना। तुम भूतों में विश्वास करते हो? हाँ। बी सीरियस समीर, तुम विश्वास रखते हो या नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, मैं पिछली बार जब मैं बैंकॉक गया था तो वहाँ कमरे में कॉल गर्ल बुलाई थी, वो एकदम भूत निकली है। समीर यार, इसके अलावा भी भूत होते हैं। अपने नाना के घर गांव में पेड़ पे मैंने देखा था। सच? हाँ। तुझे क्या लगता है, हम इस दुनिया में अकेले हैं? हमारे चारों तरफ भूत हैं। रात को कुत्ता अचानक भौंकने लगता है, दरवाजा अपने आप खटखट करने लगता है, वो सब क्या है? अब भूत ही तो है यार। मेरे पीछे एक भूत पड़ गई है। अश्विनी भाभी। क्या? 6 महीने के बाद सब बीवियां भूत बन जाती हैं। क्या मतलब है तेरा यार समीर? यार, शादी के बाद दुनिया की हर लड़की नजर आती है, बीवी दिखाई नहीं देती है। समीर, आई एम सीरियस, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। अगर सामने के दरवाजे पे कुत्ता भौंक रहा है और पीछे के दरवाजे पे बीवी खटखटा रही है तो कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए? इस बात से इसका क्या मतलब? सामने का दरवाजा खोलना चाहिए, कम से कम कुत्ता तो अंदर आके भौंकना बंद कर देगा यार। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, I'm trying to be serious here. अरे I'm sorry, बैठ ना यार। तू तो हर बात को सीरियसली ले लेता है, बैठ ना। अरे कब से बोल रहा हूँ कि मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ। अच्छा बैठ तो सही, अब बता क्या प्रॉब्लम क्या है यार। जैसे मैं कह रहा था, हाँ, एक भूत मेरे पीछे पड़ गई है, सिर्फ मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है और वो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। लड़की का भूत? हाँ। ओके, तू टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है, वो एक बाबा को जानता है, ये बाबा भूत प्रेत इनको भगाता है। सच? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कल ही तेरी मुलाकात बाबा। क्या हुआ? हाँ? आदित्य, ये मत कहना कि वहां खड़ी हुई है। नहीं नहीं, क्या ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं। चल वो चड्डा वाली मीटिंग जल्दी से जल्दी निपटा के फोन करता हूं। ओके। हाँ या तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ओके okay. ख्याल रख अपना। या थैंक्स, चलता हूं। या बाय। वो मरने वाला है। समीर क्यों? वो तो तुमसे भी बढ़कर है। तो क्या तुम उसे उसे मारोगी? Thank you.
हेलो सर, समीर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ही सीरियस सर। हेलो सर, आर यू लिसनिंग? हेलो, वो मरने वाला है। समीर नगानी, एक्सीडेंट केस। वन सेकंड, गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। मैं समीर का दोस्त हूँ, जिसका अभी अभी। ओ या, बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। आपका दोस्त बहुत ही लकी है। लकी? आपका मतलब? आपको तो पता है ना कि एक्सीडेंट कितना बुरा था, उनकी जान भी जा सकती थी। बस सिर्फ एक पैर में फ्रैक्चर आया, अदरवाइज इज ऑल राइट, डोंट वरी। डॉक्टर, आपका मतलब कि वो मरा नहीं, वो अब तक जिंदा है? जी हाँ, मैं यही आपसे कह रहा था। वो मरा नहीं। देखिए भाई साहब, मैं यहां पर डॉक्टर हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि वो जिंदा है। डॉक्टर, मैं समीर नगानी की बात कर रहा हूं, थोड़ा मोटा सा, चश्मा पहनता। देखिए, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। अमीन, ये कैसे हो सकता है कि वो मरा नहीं? अरे अजीब आदमी आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जिंदा है, लेकिन आप पूछे जा रहे हैं मरा नहीं, जैसे कि आप चाहते हैं कि वो मर जाए। अरे रिलैक्स मैन, इज ऑल राइट। मैंने झूठ बोला। क्यों? क्या सिर्फ तुम झूठ बोल सकते हो? इस बार तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगली बार क्या पता। हेलो भाभी जी। हाय आदित्य। हाय। थैंक यू। आई जस्ट कीप दिस टाइम। ये सब कैसे हुआ समीर? अब क्या बताऊं भाभी जी, कैसे हुआ? ये सब आपके हस्बैंड जी की वजह से हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये फोन ना करता तो एक्सीडेंट नहीं होता। बैठिए ना आप। आई एम रियली सॉरी समीर। कम ऑन यार, रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं यार। अच्छा बोलो, आप कैसे लग रहा है? टांग टूटी है, बाकी तो सब ठीक है भाभी जी। चलो इसी बहाने काम से तो ब्रेक मिल जाएगा। काफी स्ट्रेसफुल रहे ना पिछले कुछ दिन। कौन सा स्ट्रेस? स्ट्रेस तो बहुत होता है ऑफिस के अंदर, है ना आदित्य? काम है नहीं, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। अश्विनी को मैंने हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है। हैं प्रॉब्लम? काम पे? हाँ प्रॉब्लम। हमको लगा हमारी नौकरी चली जाएगी हमारी। मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? अब सब ठीक ही होगा। या ठीक है सब, थोड़ा दर्द है। अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ बीच हाउस कैसा था? बीच हाउस? कौन सा बीच हाउस? समीर, कौन सा बीच हाउस? मड आइलैंड वाला बीच हाउस, याद नहीं? अब तो तुम गए। मड आइलैंड वाला बीच हाउस, राइट? क्या हुआ? आई गॉट अ क्रैम्प। मैं तुम्हें वहां ले
मैं तुम्हें वहां ले जाने वाला था। समीर का बहुत ही अच्छा बीच हाउस है वहां पे। I wanted it to be a surprise for you. I wanted to be a surprise for you. Bastard. लेकिन आदित्य तुमने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। नहीं किया अश्विनी, काम ही इतना था। I mean, भूल गया मैं। आई भूल गए? लेकिन मैंने कहा था ना, I wanted to be a surprise for you. Surprise? भाभी जी, दरअसल गलती मेरी है। मैंने ही आदित्य को मना किया था कि आपको कुछ नहीं बताया। दरअसल आदित्य चाह रहा था कि आपको वहां लेके जाए और सरप्राइज दे। सॉरी यार, सरप्राइज बिगड़ गया। इसे जिंदा छोड़कर तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। No. आप मैं इसे मार देती हूं। No. What's wrong, आदित्य? अरे क्या हुआ? मैम क्या हुआ? समीर, ये खून है ना? हाँ, क्यों? मुझे लगा कुछ और है? इसे खोलकर कुछ नहीं होगा ना? किसे? किसे खोलकर? इसे। अच्छा तुम क्या? Anyway, देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। अखिल घर पे अकेला होगा और मुझे कुछ कॉल्स भी करने हैं। बाय समीर। हाँ, but you okay? Yeah, yeah, I'm fine. I'll talk to you later. क्या हो गया है तुम्हें आदत? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अश्विनी, I'm sorry, Ashwini. Sorry about what? Ashwini, क्या तुम भूतों में विश्वास रखती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब भूत, प्रेत, आत्मा, जो भी कहते हैं। मैं तुमसे कहूं कि एक भूत है जो मेरा पीछा कर रही है, क्या तुम मेरी बात का यकीन मानोगे? ज्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक भूत है अश्विनी। किसका भूत? मुझे नहीं मालूम। ऐसा लगता है कि वो किसी बात का बदला लेना चाहती है। किस बात का बदला आदित्य? मुझे नहीं मालूम अश्विनी। इससे पहले मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। बस प्लीज प्लीज और कुछ मत पूछो मुझे। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज अंडरस्टैंड अश्विनी, प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत डर लगता है मुझे। हेलो सिमी। अश्विनी, हाय, हाउ आर यू? सिमी, तुम एक साइकाट्रिस्ट के पास जाती थी ना? हाँ। तो शाहरुख खान आपके पति है? हाँ जी, माइसेल्फ मिसेस शाहरुख खान। आहा, ऑटोमेटिकली। आपके उनसे शादी कब हुई? अब बस पहली मुलाकात के बाद, दो हफ्ते बाद बस होगी। पहली मुलाकात कैसे हुई? ओ डर फिल्म नहीं थी उनकी? ओ प्लाजा सिनेमा में लगी थी। याद आया। बस वो 100वां दिन था उसके शो में हो गई। वो शो देखने को आया था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ मैं भी गई थी शो देखने। बस एकदम बगल वाली सीट में आके बैठ गई। बड़ी बड़ी आंखों से गूर रहे थे मुझे। आपको वो गूर रहा था? क्यों जी, मैं सुंदर नहीं हूँ जी? नहीं हुँ? बिल्कुल नहीं। You are too beautiful. Really? Yeah. Okay.
आगे क्या हुआ? बस आगे बत्ती बंद हो गई, शो शुरू हो गया जी। बताए एकदम से ना हाथ मेरा चुपक लिया जी। आगे क्या हुआ? आगे बस नहीं बता सकती मैं क्या हुआ आगे, वो शर्म आ रही है। सेंसर है जी। ओके। जो गोलियां मैं पिछले हफ्ते में दिया था, सेम गोलियां डबल डोज करके दिन में भी खाओ। आप जाइए, कंपाउंडर मैडम को वेटिंग लिस्ट में रख दो। नेक्स्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि हमको कोई दिखाई दे लेकिन वो हमारे सामने नहीं हो? आपको कौन दिखता है? सलमान खान जी। सॉरी, मैं क्या करूं, सारा दिन ऐसी कहानी सुनता रहता है। डरता हूं कि एक दिन मैं उसी कुर्सी में बैठा है। इधर कादर खान, वो अलग बातें छोड़ दो। बताइए क्या दिखता है आपको? जी मुझे नहीं, मेरे पति को। क्या जी? वो कहते हैं उनको भूत दिखता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरा नाम गायत्री है और मैंने आज ही काम ज्वाइन किया है। सर मे आई कम इन? यस प्लीज। सर मिस्टर बोस का फोन आया था। बोर्ड मीटिंग है आज 4 बजे। ओके। सर मिस्टर बोस प्रेजेंटेशन के बारे में भी पूछ रहे थे। ओह गॉड। डोंट वरी सर, आप मुझे डिक्टेशन दे दीजिए, मैं जल्दी से टाइप कर लूंगी। ओके। डियर मिस्टर बोस, with reference to our discussion based on 170807, the additional revenue that will be generated will be used in the following activities. What activities? Kya hua sir? Kuch nahi. Kuch nahi, I'm fine. Sir, will be used in the following activities. Yes. A. Yes, sir. The development of the... Aap theek hai, sir? Huh? You're okay? I'm fine. I'm fine. The development of the development of a new consumer satisfaction survey. Yes. Did you get that? Yes, sir. B. The updating of... Updating... our database. Please correct that. Our current consumer database. The current database for the... Why don't we do this later? Yes. Why are you doing this to me? Why are you doing this to me? Jo bhi hamare beech hua hai, why?
Why? I have a presentation. आज मेरे बॉस के साथ बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है. Are you okay? Me? Yeah, I'm fine. I'm fine. Are you sure? Yeah. Yeah. How are you? I'm fine. Good. Practice कर रहा था मैं. कुछ चाय. Hello. कुछ चाय या कॉफी? चाय चलेगा, कॉफी भी. एक, दो, तीन चाय. कितनी चाय? तीन. तो कुछ प्रोग्रेस हुआ इस केस में? स्लो, वेरी स्लो. आप जैसे लोग कोऑपरेट ही नहीं करते हमें. लेकिन कोऑपरेट करने के लिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ना. झूठ. क्या हुआ? क्या चौक क्यों गए आप? नहीं, अब मुझे बस कुछ याद आया. Can I see your cell? Yeah, sure. Thank you. Good handset. कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? BPL. BPL, गुड कंपनी. इसे छू? नहीं नहीं नहीं, इट्स अ गुड कंपनी. है ना मालती, BBL, गुड कंपनी. वही मेरा मतलब था. इसको छुआ ना तो ये तुझे थप्पड़ नहीं, सीधा गोली मार देगी. आपने कहा था आपकी गीता के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी, राइट? हाँ. Bastard. तो फिर मिस्टर आदित्य वो आपको एक दिन में 15 कॉल्स क्यों करती थी? 15 कॉल्स? याद है? एक्चुअली उसका काम ही ऐसा कुछ था. उसे मुझे बार बार फोन करना पड़ता था, बहुत सारे क्लाइंट्स के बारे में रिपोर्ट करना था. Bastard. इतनी आसानी से झूठ बोलते हो. फिर भी 15 कॉल्स एक दिन में? तुमने मेरे साथ भी ऐसे किया. व्हाट डू यू थिंक मालती, कुछ ज्यादा नहीं होता? इसलिए तो मैं मर गई. इतना इंपॉर्टेंट था? बास्टर्ड. यस. लेकिन आई थिंक एक दिन में 15 कॉल्स कुछ ज्यादा ही है ना. यू हैव टू एक्सक्यूज मी. याद आया क्या मैंने कहा था ना आपसे? आई have an important presentation. नहीं, लेकिन हमारी inquiry अभी, सुनो, अभी हमारी inquiry complete. मिस्टर रेड्डी, ये meeting मेरे लिए बहुत important है. नहीं, please, आदित्य, देखो, चाय आ गई है. हाँ, चाय पीजिए, please. चीनी नहीं आया हूँ. लेकिन हमारी inquiry अभी complete नहीं हुई है. आप appointment लेके will, I will call you. No, this is not where. I will call you, Mr. Reddy, I'll call you. We'll talk later. Hello, सुनो. अरे भाई, इनका problem क्या है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण. हाँ अश्विनी, मेरे मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उसकी उसके ऑफिस आया हूँ. कैसी आवाज आ रही है? आवाज मेरा क्लाइंट है ना, वो बहुत ही धार्मिक इंसान है. उसके ऑफिस में हमेशा ये पूजा की किस्से चलती रहती है. इतने वॉल्यूम पे? हाँ. घर आने को क्या देर हो जाएगी? नहीं, मैं बस अभी निकल रहा हूँ. और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कम से कम आधा घंटा लगेगा. मैं तुमसे पहले मंदिर होकर आई हूँ. मंदिर? क्यों, मैं मंदिर नहीं जा सकती क्या? क्या मंदिर? सिर्फ इसलिए. क्या मंदिर आदित्य? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ. हाँ, नहीं, मंदिर नहीं है. मेरा खून करने के बाद भी तुम मंदिर जाकर आए ना? अश्विनी, मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. तो मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें क्या लगता है,
तुम मंदिर जाओगे और भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अन्याय मेरे साथ हुआ है, भगवान मेरी बात सुनेंगे पहले। पता है मैंने उनसे बात भी की है। भगवान, भगवान से। और देखना वो तुम्हें ऐसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैं अपनी मौत का बदला लूं या ना लूं, लेकिन वो हिसाब बराबर जरूर करेंगे, ये वादा किया है उन्होंने मेरे साथ। तो आपको भूत दिख रहा है? हाँ मालूम है। देखो मिस्टर सोमन, ये दिमाग है ना, माइंड माइंड माइंड, इट्स ए वेरी फैसिनेटिंग थिंग। ये कब कहाँ कैसे हम पर चाल चले कोई भी नहीं बोल सकता जी। ये जो बूथ है ना, ये तुम्हारा दिमाग का वहम हो सकता है। वहम? अय्या साइंस। मिस्टर सोमन, मेडिकल टर्म्स में इसे हैलूसिनेशन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मिस्टीरियस सेबास्टियन बोलते हैं। अब बोलो, इस वक्त इधर वो बूथ दिख रहा है क्या? डॉक्टर हियर, नो फियर, बोलो बोलो बोलो। हाँ कहाँ? क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? What happened? Why are you laughing? I said, पूछिए। What happened to him? Why are you laughing? आदित हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? मैं तो बस अपनी बीवी के साथ मजाक कर रहा था। What? Are you mad or what? Yes. रामा, madam, you unnecessarily wasted my time. Adit, what's wrong with you? मैं आपको पहले ही बोला था। Sorry, आपका पति मेरे को उल्लू बना रहा है, आपको भी उल्लू बना रहा है। He's most irresponsible. You should have checked it properly before marriage. He's making fun of you and me. This is not a joke. I am doctor. He keeps on laughing. It is not fair. Nonsense. I mind it. Hospital, many cases, patients, waiting. It is better to check your husband first. देखो देखो, he's laughing. I know. One day he's going to make you mad. I think you will have to start laughing again. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अगर ये मजाक था तो? अरे बताने वाला था, बस भूल गया। भूल गए? हाँ। इतनी बड़ी बात तुम कैसे भूल सकते हो? अरे मुझे क्या पता तुम इस बात को इतना आगे ले जाओगी? क्या साइकाइट्रिस्ट को बुलाने से पहले तुमने मुझसे पूछा था? नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम अंजन मेनन है। क्या आदित्य जी घर पर हैं? आदित्य, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है जी? कौन है आप? मेरी बेटी गीता आपके ऑफिस में काम करती है। कुछ चाय या कॉफी लेंगे आप? जी नहीं, थैंक्स। बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? सर, गीता बहुत दिनों से घर नहीं पहुंची है। मुझे पता है इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, मगर मैं उसकी लैंडलेडी को भी फोन कर चुका हूं, सारे दोस्तों से बात कर चुका हूं, पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन मुझे कोई नहीं बताता सर कि मेरी बेटी कहाँ है। वो जब भी बाहर जाती है हमेशा हमें पता कर जाती है। मत रोइए। हर शाम को वो फोन कर। प्लीज मत रोइए। अगर उसे कुछ हो गया
तो मैं उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा सर? वो हमेशा कहती थी कि वो अकेली लड़की है, बम्बई जैसे शहर मत भेजो मुझे, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी सर। बास्टर्ड, मैं क्या करूं सर? तुम्हारे सामने ना रोए। अब प्लीज मेरे सामने रोइए मत। कैसे नहीं रो बेटा, हमारी बच्ची है, मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा सर? काका जाओ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर, प्लीज सर। आप बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, आपके कॉन्टैक्ट के द्वारा हमारी मदद कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊँ? सबसे अलग कर दिया है तुमने मुझे, मैं घर नहीं जा सकता सर। मैं अलग कर दिया तुमने मुझे, क्या मुंह दिखाऊं सकता? बदला मैं तुमसे कैसे लूं? कैसे लूं मैं इसका सर, बदला? मुझे नहीं समझ आ रहा है सर, प्लीज हमारी मदद। मैं तुम्हारी बीवी को मार देती हूँ। एक बार मैं पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ सर। मैं तुम्हारे बच्चे को मार देती हूँ। उनको भी नहीं मालूम सर मेरी बच्ची कहाँ है। जवाब दो मुझे। सर मेरी मासूम सी बच्ची। मार डालो तुम्हारी बीवी को। सर मुंबई इतना बड़ा शहर है सर, मैं कहाँ कहाँ। मार डालो तुम्हारे बच्चे को। मैं कहाँ कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने सर। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझसे जो जो हो सके मैं कोशिश करूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन थे वो? मेरे ऑफिस में लड़की काम करती थी, ये उसके उसके पिताजी हैं। लड़की? कौन लड़की? मैंने पूछा कौन लड़की? पिछले एक हफ्ते से गायब है। एक हफ्ते से तुम्हारे ऑफिस की एक लड़की गायब है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? ऑफिस में इतनी सारी बातें होती रहती हैं, तुमको सब कुछ बताऊंगा क्या? ठीक है, अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर वो यहाँ क्या कर रहे थे? तुमने सुना नहीं क्या, वो अपनी बेटी को ढूंढने में मदद चाहते थे। मदद? कैसी मदद? तुम क्या मदद कर सकते हो उनकी, क्या जानते हो तुम? तुम्हारा बेटा अखिल, मुझे जवाब दो आदत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बाहर खेल रहा है ना? हो गया। क्या हो गया? हो गया उसका। क्या हो गया? क्या? मेरी बात का जवाब दो आदित। अखिल, अखिल क्या हुआ? अखिल
अखिल। कहां भागे थे तुम? मैं अखिल को लाने गया था। अखिल को लाने? मुझे लगा उसकी जान खतरे में। बहाने बनाने हैं ना तो कुछ अच्छा सोचो। ये मत समझना कि मैं बेवकूफ हूँ आदित। ये क्या कह रही हो तुम अश्विनी? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। वो लड़की के पिता यहाँ क्यों आए थे बस मुझे बताओ। मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ। जाओ अखिल अपने कमरे में जाओ। मुझसे बात करो आदित। आई एम टॉकिंग टू यू। देखो अश्विनी मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी। वो सिर्फ तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती थी तो उसके पिताजी के सामने तुम क्यों नर्वस थे? नर्वस नहीं। तुम नर्वस नहीं थे? झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें वहां से देख रही थी। अश्विनी मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बात को मत टालो आदित। You can't run away like this all the time. Open the door. जी आप मिसेस अश्विनी सोमन एज 26 एम आई राइट? कौन है आप? आई एम रेड्डी भास्कर रेड्डी और ये मेरी असिस्टेंट मालती पंडित। क्या हम अंदर आ सकते हैं? लेकिन कौन है आप? ओह सॉरी सॉरी मैं भूल गया। मैं इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच 83 बैच और ये सब इंस्पेक्टर कौन सा बैच? सॉरी सॉरी लेडीज को एज नहीं पूछना चाहिए मैंने आपसे भी बोला सॉरी। क्या काम है आपको मुझसे? आपसे नहीं आपके पति से। पति से? आपके पति से नहीं आपसे। मतलब आपके पति के ऑफिस में एक लड़की थी गीता मेनन बस उसके बारे में बात करनी थी। क्या पूछना था? वो बात अंदर आके करें प्लीज। थैंक यू। आप गीता मेनन को जानती थी? जी नहीं। लेकिन आपके हस्बैंड के साथ उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। क्या क्या मतलब? प्रोफेशनल रिलेशनशिप आई मीन। ओ सॉरी सर आपने उनसे कभी सॉरी अगेन उनसे कभी बात की थी आपने? जी नहीं। स्ट्रेंज। वो तो आपके पति को दिन में 15 बार फोन करती थी। क्या? हाँ मोबाइल कंपनी से हमने पता लगाया है ना। अगला सवाल थोड़ा पर्सनल है माइंड मत करना। आपको कभी ऐसा शक हुआ कि आपके पति का बाहर किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है? चक्कर? क्या मतलब है आपका? नहीं मेरा मतलब है उनका आप में इंटरेस्ट कुछ कम? जी नहीं हम दोनों के बीच सब ठीक ठाक है। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली क्या है ना मिसेस सुमन गीता मेनन ये मिसिंग पर्सन ये जब गायब हुई वो प्रेग्नेंट थी आई मीन क्या? हाँ उनके डॉक्टर से हमें पता चला तो हमने सोचा शायद किसी ने उसे कहीं भेज दिया हो यू नो जस्ट टू हैंडल द मैटर। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिन्हें मैं बस पूछ रहा हूँ आपके पति तो एकदम इनोसेंट है अब तक। अब अगला सवाल क्या आप बता सकती है पिछले महीने लास्ट संडे को आपके पति कहाँ थे? पिछले संडे? नहीं नहीं पिछले महीने लास्ट संडे। जी मुझे याद नहीं है। याद कीजिए प्लीज याद कीजिए। आपके पति को आपका जवाब बहुत मदद कर सकता है। क्या वो घर पे थे? जी हाँ हाँ हम दोनों साथ में कहीं बाहर जाने वाले थे। ओके लेकिन अचानक उनको काम से फोन आ गया। ओके और वो चले गए। ओके आर यू श्योर? जी हाँ क्योंकि हम दोनों की खिटपिट हो गई थी उस बात पे। ओ ओ हो
आपको याद है वो वापस कब? अरे मिसेस सोमन, सो हाउ आर यू? गुड। आप यहाँ कैसे? आपके बीवी से बस बात कर रहे थे। हाँ तो उन्होंने तेरी बीवी को सब कुछ बता दिया। क्या क्या क्या? कुछ नहीं। तो पिछले महीने लास्ट संडे तुम्हारी बीवी ने भी उन्हें काफी कुछ बता दिया है। अश्विनी तुमने इन्हें क्या बताया है? देखिए प्लीज आप बीच में मत बोलिए, प्लीज प्लीज, थैंक यू। हाँ बताइए। और जो नहीं बताया है वो अब बता देगी। आप यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? Why don't we sit down and discuss it? पहली बार घर आए हैं। I want to stand. Any problem? No. Good. आप बताइए, आप बताइए मिस्टर सोमन घर वापस कब लौट? कुछ चाय कॉफी? हाँ मैडम कॉफी? No, no, I don't want anything. अश्विनी makes a really good coffee. No, we don't want anything. पहली बार no. घर आए हैं। No. Will you please? Okay. आप बताइए मिस्टर सोमन कब आए? याद कीजिए। याद है कुछ? 5 मिनट बाद। क्या ये झूठ बोल रही है? अभी आपने बताया किसी अर्जेंट काम से मिस्टर सोमन बाहर गए थे। जी हाँ मैंने कहा था वो बाहर गए थे और हमारे बीच में लड़ाई हुई थी। हाँ। लेकिन मैंने उनको फोन किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब वो वापस आए और उसके बाद सारा दिन मेरे साथ रहे घर पर। मिसेस सोमन आप झूठ बोलकर सही नहीं कर रही। क्या सबूत है आपके पास कि मैं झूठ बोल रही हूं? तेरी बीवी भी क्या निकली डार्लिंग? अगर आपके सवाल पूरे हो गए हो तो क्या प्लीज जा सकते हैं? हाँ प्लीज। ओके मालती। ओके मतलब ये जो भूत है वो गीता का भूत है ना? यही सच है ना आदित्य? अब चुप क्यों हो? बोलो ना आदित्य। बोलो आदित्य। क्यों नहीं बोल रहे हो अब? आज मैं सब सुन के ही रहूंगी। अब रो क्यों रहे हो? अश्विनी ये सच है कि गीता के साथ मेरा अफेयर चल रहा था। ऑफिस में वो मेरे ही टीम के साथ काम करती थी। हर संडे को हम मिलते थे। उस संडे को भी मैं उसी से मिलने गया था। समीर के मडालिन वाले बीच हाउस लेकर गया था उसे। वो मुझे बोलेगी I'm pregnant. वो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन उसी बात पे उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की अश्विनी, बहुत कोशिश की अश्विनी, लेकिन वो नहीं मानी।
गुस्से में पागल हो गई थी वो, माँ मुझे मारने लगी। अभाषण, हाँ आदित्य। और खुद को बचाने के लिए मैंने उसे धक्का दिया। क्या? उसका सर दीवार से जा टकरा और वो मर गई अश्विनी। I killed her. It was an accident, Ashwini. मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। Please believe me. मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन मैं डरा हुआ था अश्विनी। I was scared. अगर मैं जेल गया तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? अखिल क्या सोचेगा? तुम्हारा क्या होगा? तो इसलिए मैंने उसे बंगले के पीछे वाले लॉन में दफन कर दिया। अब वो भूत बनकर मेरे पीछे पड़ गई है। वो अपने खून का बदला मुझसे लेना चाहती है। प्लीज हेल्प मी अश्विनी, फॉर गॉड्स सेक्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू। इतना सब कुछ होने के बाद अब भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं अश्विनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? मैं सब समझती हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझो। कहाँ भेजा है तुमने उसे? भेजा? वो प्रेगनेंसी हैंडल करने। अश्विनी तुम मुझे गलत समझ रही हो। अश्विनी मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? हाँ। तो फिर सच क्या है आदित्य, तुम्हारे भूतों की कहानी? अश्विनी मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। अरे अखिल को बोलो, वो भी विश्वास नहीं करेगा। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ अखिल की कसम। मेरे बच्चे की कसम मत लो तुम, झूठी कसम लेते हो। अश्विनी मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो भूत है और वो इस वक्त हमारे घर में है। बहुत हो चुका, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। I've had enough. मैं जा रही तुम्हें छोड़ के। अश्विनी, I need you, अश्विनी। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अश्विनी, I need you. अश्विनी। 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 तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? कॉल एन एम्बुलेंस। देखिए मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता हूं, बट उनके बचने के चांसेस यू नो बहुत कम है, और शायद वो अब होश में भी नहीं आएंगी। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने करीबी रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों को बुलवा सकते हैं। हौसला रखिए। मैं जानता हूं मैं बहुत खुदगर्ज था।
मैं तुम्हारे भरोसे के लायक भी नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें दर्द से बचाना चाहता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। I'm sorry, Ashwin. मुझे माफ कर दो। Feeling bad, darling. कैसा लगता है जब कोई अपना मरता है? मैं मानता हूं गलती मेरी है। ये सब जो हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे मारना चाहती हो मार दो। पुलिस में जाके गुनाह कबूल करूं मैं तैयार हूं। तुम चाहती हो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूं, ठीक है, मगर बेचारी अश्विनी की क्या गलती है बताओ मुझे। तो फिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या किया था मैंने जो मुझे मरना पड़ा? मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। हाँ? तुम जानती हो वो एक एक्सीडेंट था गीता। देखो गीता, मैं मानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ मुझे। जो होना था वो हो गया और अब मैं कुछ नहीं बदल सकता। जो होना था वो हो गया? कितना आसान है ना तुम्हारे लिए सब कहना। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं चाहता था तुम मरो? हाँ? नहीं गीता, नहीं। तुम्हें कोई अंदाजा मुझ पर क्या गुजरी है? तुम पर क्या गुजरी है? हाँ? तुम पर क्या गुजरी है? क्या तुमने कभी सोचा मुझ पर क्या गुजरी है? हाँ? मैंने गलत किया है गीता। मैं गलत था, इसलिए तो कह रहा हूं तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे दो। उस वक्त मुझे लगता था कि दुनिया की हर खुशी पर मेरा हक है, घर पर अश्विनी, बाहर तुम। मैं सपनों की जिंदगी जी रहा था। मैं चाहता था कि जो चल रहा था वो ऐसा ही चलता रहे, मगर ये मुमकिन नहीं है। एक शादीशुदा आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक हमारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था। सच बताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसका मतलब हम दोनों के बीच प्यार कभी था ही नहीं और मेरी मौत। नहीं गीता, मेरी मौत बेवजह हुई। नहीं गीता, ये सच नहीं। मैं शादीशुदा था, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कैसे छोड़ सकता? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अगर शादी करने से पहले तुम मुझसे मिलते
तो क्या तुम मुझसे शादी करते? हाँ, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो आज हम दोनों एक साथ होते। मगर जब मैं तुमसे मिला, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। सच? पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों पर विश्वास करने को मन करता है। क्योंकि आज पहली बार मैंने तुमसे सच कहा। नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं शायद अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था गीता। मैं चाहता था तुम और अश्विनी दोनों मेरे पास रहो, मगर ये मुमकिन नहीं है ना। You truly are a bastard. But I still love you. इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में सही। तुम अगले जन्म में विश्वास करते हो? इससे पहले मैं भूतों में भी विश्वास नहीं करता था। अगले जन्म का इंतजार कौन करेगा? No! Ashwini! No! No, no, God! Ashwini! Ashwini! She's awake, Doctor! She's awake! She's awake! I love you! ये सब जो उसके लिए मुझे माफ कर दो। I really, really love you. I love you so much. Please, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. ये सोचो कि हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। हाँ। अश्विनी, अश्विनी। ये क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर लो, वो गायब हो जाएंगे। डाले बेकरारी में मर ही न जाऊं, ना
को मैं कैसे समझाऊं, दिल है कि मानता नहीं है, बेचैनी जानता नहीं है, मैं करूं क्या बता जरा साथिया। दिल है कि मानता नहीं है, बेचैनी जानता नहीं है, मैं करूं क्या बता जरा साथिया। जरा साथ